हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है फलों को खाना, और फल खाते रहने के लिए हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा। अभी हाल ही में एक रामविलास पासवान ने खरीदे थे 420 रुपए किलो का सेब, और उसमें मिला खतरनाक वैक्स। वैक्स होता क्या है? वैक्स बेसिकली एक कोटिंग होता है जो मोम की तरह ऊपर चमाचम सेब, संतरे या आम जैसी चीजों के ऊपर चढ़ा दिए जाते हैं और वो चमकते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर उसकी कीमत 200 रुपए है तो वो आपको 400 रुपए किलो मिलेगा। अब वैक्स की कीमत इतनी हो जाती है। और यदि आप चमकीला सेब देखकर सेब एप्पल खरीदते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसा सेब आपकी सेहत बिगाड़ सकता है, क्योंकि सेब पर एक चमक मोम लगाने से आ रही है। ये मोम सेब के साथ आपके लीवर और किडनी तक पहुंच जाती है, यानी कि आपको कैंसर वगैरह जैसी परेशानियों में डाल सकता है। पूरे देश में ऐसा मामला बहुत अच्छे स्तर पर सामने आ रहा है, लेकिन सरकार ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है अभी तक। जिसे आप सेहत के लिए खा रहे हैं वह आपका दुश्मन बन सकता है। देश भर में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो विभाग काम कर रहा है उसके मंत्री रामविलास पासवान को खुद एक फल वाले ने मोम वाला सेब बेच दिया। अब मंत्री जी को बेचा तो कार्रवाई तो होनी लाजमी थी। खाने पीने के सामान को लेकर केमिकल लगाने का जिक्र आया तो पासवान ने मंगलवार को पत्रकारों के साथ एक दिन पहले ही अपना अनुभव साझा किया। पासवान केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्री हैं। पासवान ने कहा कि कभी कभी खुद सलाद बना लिया करता हूँ। एक दिन पहले ही मैं सलाद बना रहा था तो मैंने सेब धोया, और जब सेब धोया तो मुझे उस पे डाउट हुआ। उसको खुरचा तो उसमें से मोम निकला, वो भी मैं देखकर हैरान रह गया कि खान मार्केट से आया सेब ऐसा कैसे हो सकता है जिसपे स्टिकर लगा हो कंपनी का। सेब का दाम था 420 रुपए किलो, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी जानकर लाया गया। मैंने तुरंत अधिकारियों से बातचीत करके उसकी जांच करवाई। उसकी जांच में पता चला कि वजन में भी गड़बड़ी थी, केमिकल भी था। बेचने वाले का चालान किया गया। फिजिशियन डॉक्टर सुरेंद्र दत्ता का कहना है कि सेब कभी भी बिना छिले नहीं खाना चाहिए। मोम और केमिकल ना सिर्फ किडनी और लीवर दुष्प्रभाव डालते हैं बल्कि इससे कैंसर का भी खतरा बढ़ता है। अगर बात आए सेहत की तो आपको सेब ही नहीं सभी फलों को एक बार देख के खाना चाहिए, क्योंकि आम वगैरह जैसी चीजों के ऊपर भी केमिकल चढ़ा होता है। किसी भी फल को खाने से पहले उसको अच्छे से धो लें, जांच लें, और उसके बाद करें अपनी सेहत की बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।